हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को खोले हुए हैं और अभी किस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पार्ट टू रिजल्ट कब होगा जारी। सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर काफ़ी इसके बारे में जो मनसो नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ऑथेंटिक बात जो है कब आपका रिजल्ट जारी होगा इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में आपको हम देने वाले हैं। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार आपका रिजल्ट कब जारी होना चाहिए, कब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे पार्ट थ्री में नामांकन के लेकर के नई अपडेट जो जारी हो रहा है सभी कॉलेज के द्वारा, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, पार्ट टू का परीक्षा जो है लिया लगभग 2 महीना के करीब हो गया है, ठीक है। पार्ट टू का परीक्षा लिया हुआ, इसका रिजल्ट आखिर कब होगा जारी। तो यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट भी अभी स्लो जो है, मतलब पूरी तरह से अभी काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है, यानी कि सही ढंग से काम नहीं करता है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई सा भी रिजल्ट 60 दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करना होता है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आपका पार्ट टू रिजल्ट चेक करने के लिए मतलब रिजल्ट जो है 13 से 14 सितंबर को पूरे 60 दिन पूर जाता है। इसके मुताबिक आपका रिजल्ट जो है 60 दिन भीतर होता है जारी, 60 दिन तक में होता है। तो 13-14 सितंबर का आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए, बिल्कुल रूप से होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब जैसे जारी होगा तो वहाँ पर चेक करने जाएंगे तो इसी तरह का आपको फेस आइकन होगा, डिस्प्ले होगा, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना होगा, फिर आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि आपका फाइनल जो इसका डेट जो रहने वाला है वो कब रहने वाला है। अभी फिलहाल जो है कॉपियों का मूल्यांकन जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो चुका है। अभी कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जो लगभग 5 से 10 सितंबर तक ख़त्म होगा। उसके बाद 14 से 13 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का ऑथेंटिक गाइडलाइंस के अनुसार ये डेट जो है निर्धारित पहले से हो चुका है। इसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है, इससे पहले जारी नहीं होगा। ये रियल बात है, ऑथेंटिक जानकारी है, कहीं भी फेक चीज़ आप देख रहे हैं इस दिन होगा जारी, उस दिन होगा जारी, तो बिल्कुल रूप से गलत है। ये हम 100% आपको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कॉपियों का कैसे मूल्यांकन होता है पूरी जानकारी डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से रिजल्ट चेक करने का लिंक देख सकते हैं, जो कि एक्टिव भी हुआ था लेकिन रिजल्ट चेक नहीं हो रहा था। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ ना कुछ ईगो है, मतलब इशू आते रहता है, लिंक एक्टिव हो जाता है चेक करने का। तो रिजल्ट चेक करने का यहाँ पर लिंक जो है दिया गया है, अलग अलग टाइप का लिंक है, सभी विषय के लिए अलग है। पहले जो है आपका रिजल्ट वो कॉमर्स का जारी होगा, फिर साइंस का रिजल्ट जारी होगा, फिर आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। इस तरह से आपका जो है तीनों संकाय का रिजल्ट होगा। पार्ट थ्री में नामांकन से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सभी कॉलेज में नामांकन अभी शुरू हो चुका है, सभी कॉलेज के लिए अलग अलग सूचना जारी किया जा रहा है और हर एक कॉलेज का सूचना आपको इस पोस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट थ्री के नई न्यू अपडेट के लिए, क्वेश्चंस पेपर के लिए और अन्य सभी जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। कोई जानकारी हो जो आपको लेनी है तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा। बाकी अगर रिजल्ट चेक करना हो या इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप लेना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो ये सभी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट टू रिजल्ट सेशन, इतना का रिजल्ट चेक कैसे करें, पार्ट टू रिजल्ट डाउनलोड लिंक यहाँ पर, कॉपियों का मूल्यांकन कैसे होता है, पार्ट टू रिजल्ट चेक कैसे करें, रिजल्ट चेक करने का लिंक मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है, वहाँ सर्च करना है MNC क्लासेस। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पड़ने वाला है। सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, होम पेज पे आने के बाद ऐसा मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे आ जाना है। जैसे आप यूनिवर्सिटी अपडेट में आएंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक करके आप सारे अपडेट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इसके नीचे आकर के आप एक कॉमेंट भी कर दीजिएगा। और रिजल्ट का डेट जो है यहाँ पर बता दिया गया है 3rd week of September, यानी सितंबर के तीसरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसके लेकर के कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा देर इस वीडियो में हम नहीं आपको कुछ बताने वाले हैं। जो कुछ भी पूछना है आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के।